बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणहार आत्मसंबंधी सुंदर साची, कल की चर्चा में हमने दिल्ली के प्रसंग को सुना कि किस प्रकार नए नए सुंदर साथ का आगमन प्रारंभ होता है, कैसे औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए 22 प्रश्नों की पत्री तैयार की जाती है, जो कि हिंदी भाषा में होने के कारण आशाजीत वकील मना कर देते हैं। किस प्रकार सूरत से आए हुए लक्ष्मीदास जी की हंसी होती है और उस हंसी के माध्यम से सभी सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी की महत्ता बताई जाती है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति वाणी के विपरीत कहे, यहाँ तक कि राज्य की बात भी अगर वाणी के विपरीत लगे तो वाणी की बात को सुनना, अन्यथा राज्य कहलाने वाले समाज में बहुत सारे हो रहे हैं। और यदि हम किसी भी व्यक्ति विशेष को राज्य कह करके उसकी बात अक्षरशः पालन करने लगते हैं और यदि वो बात वाणी के विपरीत होती है तो हमारा भटकाव होना निश्चित है। इसीलिए लक्ष्मीदास जी की हंसी के प्रसंग से हमें वो शिक्षा दी। उसके पश्चात श्री जी शाहजहांपुर बुढ़िया पहुंचे, जहां एक महीने तक रहते हैं, नागजी भाई जी को मृत्यु से बचाते हैं मिर्गी के दौरे से, और फिर वहां से पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। महाकुंभ के लगने का कारण क्या है, समुद्र मंथन किसे कहते हैं, वास्तव में कैसा मंथन हुआ था, अमृत अथवा अमरत्व किसे कहते हैं, इन सब का वर्णन हमने कल सुना था। अब श्री जी को किशोर नौजवान सुंदर साथ के साथ देख करके, और वो भी सन्यासियों की वेशभूषा नहीं है, तो वहां सब आचार्यों ने पूछा कि आप लोगों की पद्धति, आप लोगों की राह तो नहीं लग रही है, आप बताइए कि आप किस संप्रदाय को मानने वाले हैं, आपकी पद्धति क्या है। तो श्री जी ने कहा था कि तब कहे वचन श्रीराज ने, तुम प्राचीन पुरातम, सो कहो हमें समझाए के, आपनो इष्ट जो धर्म, आपनो इष्ट जो धर्म, क्रोध अहम को छोड़ के, चित्त सो कहो समझाए। श्री जी कहते हैं कि हे संत जनों, आचार्य, आप अपने क्रोध और अहम को छोड़कर दिल से समझाना, हृदय से अपनी बात को मनवाने के भाव से नहीं, सत्य को ग्रहण कराने के भाव से बताना, और वो भी धर्म ग्रंथों के आधार पर। जो बात धर्म ग्रंथों के अनुकूल होगी उसे हम स्वीकार करेंगे, और यदि प्रतिकूल होगी तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आपका अपने संप्रदाय की जिस पद्धति पर दृढ़ विश्वास है वो हमें बताइए। आपकी बात पर कहीं पर भी संशय होगा तो वो संशय हम आपसे पूछेंगे, उस संशय का निवारण भी कीजिए। तो सबसे आगे आए वैष्णव मत के आचार्य। वैष्णवों के चार प्रमुख संप्रदाय में से एक है रामानुज, और रामानुज मत के वहां पर जो आचार्य आए थे वो कहते हैं कि हमारा जो पंथ है वो अगोचर है, अगोचर अर्थात इंद्रियों से परे है। हमारे संप्रदाय में नाम माला उर माही, हमारे इष्ट और आराध्य के नाम की माला को हृदय में धारण किया जाता है।
और हमारा जो गोत्र है वह है अच्युत गोत्र। अच्युत क्या होता है? जो कभी भी गिरे नहीं, जिसका कभी भी पतन संभव ना हो, जो सदा सर्वदा पवित्र रहे, वह अच्युत है। गोत्र किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र आता है, कथन आता है, गोत्रात् अपत्यम्। इसका भाव यह है कि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में जो ऋषि मुनि हुए, उनकी जो संतान है वो अपने पूर्व ऋषि को, अपने कुल के प्रारंभिक ऋषि को गोत्र के रूप में मानती है। हमारे यहाँ सप्तर्षि हुए हैं, सात ऋषि हुए हैं, उन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्र चले आ रहे हैं। उसके अलावा भी जो जो भी ऋषि हुए हैं उनके नाम पर परिवार के, कुटुंब के लोग अपने गोत्र का नाम कहते हैं। कोई अपना गोत्र भारद्वाज कहता है, कोई अत्री कहता है, कोई सांडिल्य कहता है, कोई कौटिल्य कहता है, अलग अलग प्रकार के गोत्र हैं, कोई कश्यप कहता है। सर्वाधिक जो गोत्र है वो कश्यप गोत्र है। वैसे गोत्र का कारण क्या है? इस समाज में गोत्र पूछा जाता है और गोत्र के कारण कहीं कहीं भेदभाव भी देखने को मिलता है। देखते हैं कि ये तो जाति देखते हैं। यदि पूरे भारतवर्ष में जातीय व्यवस्था बंद करके गोत्र व्यवस्था प्रारंभ की जाए तो अति उत्तम हो। उसका कारण क्या है कि सभी गोत्र तो ऋषियों के नाम से हैं, लेकिन जातियां मनुष्यों को बांटती है, विभाजित करती है, किसी को छोटा किसी को बड़ा बताती है। और गोत्र ये याद दिलाते हैं कि ये फलानी ऋषि की संतान है। जैसे जो मछुआरे हैं, मछलियों का व्यवसाय करने वाले, नाव चलाने वाले मल्लाह होते हैं, उनका गोत्र कश्यप है, लेकिन उसी के समानांतर कई ब्राह्मण भी हैं जिनका गोत्र कश्यप होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गोत्र जो है गोत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जो भी कश्यप गोत्र के लोग होंगे वो क्या कहेंगे, हमारे जो प्रारंभ के व्यक्ति थे वो ऋषि थे, अर्थात हम ऋषि की संतानें हैं। तो ऋषि की संतानें होंगी तो उनमें गुण भी कैसे आने चाहिए? जैसे बच्चे अगर कोई गलती कर देते हैं तो दूसरे लोग जो कि परिवार के बाहर के हैं वो उनको क्या समझाते हैं कि देखो तुम अपने कुल की इज्जत खराब मत करना, ऐसे ही समझाते हैं ना। जहां ऋषियों का गोत्र जुड़ेगा तो क्या होगा, वहां उनके मन में ये भाव बना रहेगा कि देखो हम तो ऋषियों की संतान हैं। और संकल्प बहुत काम करता है, संकल्प का प्रबल प्रभाव होता है। इसीलिए गोत्र पूछना अनुचित नहीं है। और साथ ही साथ वर्तमान में मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो विवाह की जो परंपरा होती है, स्वगोत्रीय विवाह और परगोत्रीय विवाह, दो प्रकार के विवाह होते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने वैदिक विवाह के विधान में ये नियम बनाया था कि विवाह हो तो देखा जाए कि लड़का और लड़की में कम से कम सात पीढ़ी का अंतर होना चाहिए। लड़के के कुटुंब में और लड़की के कुटुंब में सात पीढ़ी तक आसपास नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है, जो शरीर की संरचना होती है, डीएनए संरचना जिसको कहा जाता है, वो संरचना बदल जाती है और वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। वर्ण संकर संतानों का नुकसान क्या है, उसकी हानि क्या है कि वर्ण संकर संतानें मंद बुद्धि होती है, शारीरिक रूप से कमजोर होती है,
जितनी अच्छी संतान की कामना माता पिता करते हैं वैसी संतान नहीं होती है वर्ण संकर होने से। इसलिए पहले ही नियम बनाया गया था कि सात पीढ़ी देखनी चाहिए माता और पिता दोनों के तरह और तब जाकर के विवाह करना चाहिए। इसलिए गोत्र देखा जाता था, वैज्ञानिक कारण था। बाद में भेदभाव ने विशाल रूप ले लिया, विकृत रूप ले लिया और गोत्र का जो स्थान है वो वर्णों ने ले लिया, वो भी जाति के रूप में, और किसी को नीचा किसी को ऊंचा कहा जाने लगा। जबकि पहले ऊंच नीच का कारण नहीं था, वैज्ञानिक कारण था। इस तरह गोत्र की जो परंपरा चली है उसमें अब धीरे धीरे जो सांप्रदायिक लोग थे उन्होंने भी अपना अपना गोत्र बनाना शुरू किया। गोत्र का तात्पर्य हुआ कि हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ है। अब प्रारंभ से जहां जब से संप्रदायों की परंपरा शुरू हुई है, एक होता है धर्म और एक है संप्रदाय। धर्म एक है, संप्रदाय अनेक है। और जब से संप्रदायों का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, जब से अलग अलग दुकानें बनी हैं संप्रदायों के नाम की, मैं संप्रदाय को दुकान कहता हूं, तो जब से संप्रदाय रूपी दुकानें चली हैं तब से अपने अपने दुकान को श्रेष्ठ कहने की होड़ मची रहती है और अपने दुकान के सामान को कोई भी व्यक्ति घटिया तो नहीं कहता। क्या कहेगा कि हमारा तो सबसे बढ़िया है जी। कैसा भी रहेगा, भले ही कोई सड़ा गला माल उठा करके लाया होगा, वो भी कहेगा कि हम तो फलाने स्थान से लेकर के आए हैं। जैसे आजकल क्या प्रचलन चला है कि अपनी दुकान को बड़ा दिखाने के लिए, अपने दुकान को स्पेशल दिखाने के लिए उसका नाम भी अंग्रेजी में रखा जाता है और दुकान में जो आइटम होती है उन आइटम्स का नाम भी अंग्रेजी में रखा जाता है। और अंग्रेजी में नाम रखने से लोगों को क्या लगता है कि ये तो इंपोर्टेड माल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वर्तमान में भारत में एक ब्रांड काफी प्रचलित है, लगभग लगभग सभी बड़े शहरों में प्रचलित है, पीटर इंग्लैंड कपड़े का ब्रांड है। देखने में क्या लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये विदेश का इंग्लैंड का ब्रांड होगा, जबकि वो भारतीय कंपनी है। और एक कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसको देख के क्या लगता है ये भारतीय होगा, लेकिन ये विदेशी कंपनी है। अपने अपने लाभ के अनुसार वे नाम रखते हैं और नाम रख करके होता वही है, लेकिन ब्रांडिंग करके उसको बड़ा बनाया जाता है। जैसे जब तक योग योग था तब तक प्रचलित नहीं था, जब योग योगा हो गया तब उसका प्रचार ज्यादा होने लगा। लोगों को लगा कि अच्छा ये तो वहां से आया है, विदेश के लोग भी इसको मान रहे हैं। इसी तरह से जब दुकानदारी लोग करने लग गए धर्म के नाम का, तो फिर मनगढ़ंत विचारधाराएं चलने लगी। जब तक धर्म था तब तक एकत्व था, जब तक धर्म था तब तक ये विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं नहीं थी, विभिन्न प्रकार के शब्दों का जाल नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सांप्रदायिकता है, अपने संप्रदाय को बड़ा दिखाना है, तो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो गोत्र है वो अत्यंत पवित्र है, अच्युत गोत्र अत शुचि परम, शुचि कहते हैं पवित्र को, परम पवित्र गोत्र है हमारा। और प्रभु अनंत शाखा जो आई, हमारे जो प्रभु हैं वो अनंत हैं और उनकी अनंतता को हम शाखा कहते हैं। हमारा जो वर्ण है शुक्ल है, शुक्ल हमारो वर्ण है सब वर्णों से बाहर। देखिए वर्ण क्या है, सामान्य रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है। सबके जो कार्य है वो गुणों के अनुरूप है। ब्राह्मण का जो काम है वो एक सतोगुणी व्यक्ति का काम है, क्षत्रिय का जो काम है वो रजोगुणी का काम है, वैश्य का काम रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण वाला काम है,
और शूद्र का जो काम है वो तमोगुण का काम है, क्योंकि अज्ञानता वाला है, केवल शारीरिक परिश्रम है, बल का प्रयोग। तो उन्हीं गुणों के आधार पर वर्ण बताए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो सात्विकता को दर्शाने वाला गुण है वो है सफेद रंग। श्वेत रंग को शांति का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए उसी श्वेत रंग को शुक्ल वर्ण कहा गया है। तो ये कहते हैं कि हमारा जो वर्ण है वो शुक्ल है, जो कि सब वर्णों से बाहर है। हम इधर दुनिया के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उन वर्णों में नहीं, हम तो सबसे अलग है, सबसे बाहर है। साम वेद द्वार श्रवण मुक्त समीपी जाहिर। हम किस वेद को मानते हैं? ये रामानुज संप्रदाय की पद्धति चल रही है अभी। ये कह रहे हैं कि हम साम वेद को मानते हैं, बाकी तीन वेदों ने क्या बिगाड़ा है। पर क्या हुआ कि प्रारंभ में जब सतयुग चल रहा था, सतयुग का तात्पर्य अवस्था से, जब सतयुग की अवस्था थी, सृष्टि के प्रारंभ में सभी लोग वेदों को पढ़ते थे, श्रुति परंपरा से वेदों को याद करते थे। फिर धीरे 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 मनुष्य की स्मरण शक्ति कम होती गई। स्मरण शक्ति कम होने का कारण क्या है? भोजन, और साथ साथ में विभिन्न प्रकार की भोगवादी विचारधाराएं। तो ये सभी क्रियाएं धीरे धीरे मनुष्य की स्मरण शक्ति को कम करने लगी। तो अब लेखन ने स्मरण का स्थान ले लिया, तो श्रुति से अब वेदों को लिखा गया। लिखने के बाद अब व्याकरण इत्यादि पढ़ के, संपूर्ण वैदिक व्याकरण पढ़ने के बाद लोग वेदों को पढ़ते थे। तो चार वेदों को पढ़ने वाला व्यक्ति चतुर्वेदी कहलाता था, तीन वेदों को पढ़ने वाला त्रिवेदी अथवा तिवारी कहलाता था, अपभ्रंश के रूप में। चतुर्वेदी को आजकल चतुर्वेदी भी कहते हैं, चौबे भी कहते हैं। तीन वेदों को पढ़ने वाला त्रिवेदी अथवा तिवारी कहलाता है, दो वेदों को पढ़ने वाला द्विवेदी अथवा दुबे कहलाता है, अपभ्रंश है। एक वेद को पढ़ने वाले को पाठक अथवा सुवेदी कहा जाता है। तो इस तरह से कहां तो चार वेदों की परंपरा थी, धीरे धीरे वेदों के पठन पाठन की परंपरा का लोप होता गया और उसका स्थान पौराणिक कर्मकांड ने ले लिया, जिस विषय में अभी दो दिन पहले की चर्चा में भी मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। तो बाद में संप्रदायों ने वेद को बांट लिया कि ये वेद इस संप्रदाय के लोग पढ़ेंगे, उस संप्रदाय के लोग फलाने वेद को पढ़ेंगे, इस तरह से बंटवारा हो गया। तो ये कह रहे हैं कि हम साम वेद का श्रवण करते हैं और चार प्रकार की मुक्ति में से सामीप्य मुक्ति को मानते हैं। सामीप्य का अर्थ होता है समीप में रहना, अपने आराध्य के पास। जैसे विष्णु भगवान के आराध्य हैं तो पास में कहाँ रहेंगे? वैकुंठ में। तो इस तरह से सामीप्य मुक्ति को हम मानते हैं। वैकुंठ हमारा मठ है। मठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो स्थान जहां पर किसी एक महंत के अधीन बहुत सारे साधु संत रहते हैं, वो मठ कहलाता है। तो रामानुज आचार्य कहते हैं कि हमारा जो मठ है वो वैकुंठ है। सुमेरु पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं, हमारा जो मंत्र है वो बीज मंत्र निराकार है और हम ब्रह्म को नभ समान, अर्थात नभ कहते हैं आकाश को। आकाश का आकार कैसा होता है? आकार ही नहीं होता है। तो हम ब्रह्म को निराकार मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र का नाम पद्मनाभ है। भिन्न भिन्न ऋषियों के नाम से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थान को क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे परशुराम क्षेत्र है, भृगु क्षेत्र है, हरिहर क्षेत्र है, इस तरह से अलग अलग स्थान अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है पद्मनाभ है। सुख विलास का स्थान मेलकोटा है। हमारी इष्ट लक्ष्मी है। इष्ट किसे कहते हैं? जिसकी पूजा करते हैं उसकी आह्लादिनी शक्ति। आराध्य की आह्लादिनी शक्ति को इष्ट कहा जाता है। तो वैष्णवों के आराध्य विष्णु भगवान है,
तो इष्ट कौन हो गई? लक्ष्मी जी। और कहते हैं कि हमारी जो पद्धति है वो लक्ष्मी जी से चली, जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। बिना भ्रम की हमारी पद्धति है और हमारा अखाड़ा अड्डा हमारा वो वैकुंठ है। रंगनाथ हमारा धाम है और कावेरी नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। लक्ष्मी जी को हम अपनी देवी भी मानते हैं, जो कि हर प्रकार के मनोरथ को पूरा कर देती है। नारायण को हम देवता और विष्णु भगवान को आचार्य मानते हैं। और गायत्री हम अलख निरंजन की गायत्री मानते हैं। ये रामानंद संप्रदाय की पद्धति है। अब देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि हम ब्रह्म को नभ समान मानते हैं, अर्थात निराकार मानते हैं। दूसरी तरफ विष्णु भगवान की शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप की तस्वीर या फिर मूर्ति बनाते हैं, तो नव समान ब्रह्म कैसे हो गया? दूसरा कि यदि ये पद्धति लक्ष्मी जी से चली है तो रामानुज कौन है? रामानुज के रामानुज आचार्य ने ये पद्धति चलाई, तभी तो उस संप्रदाय का नाम रामानुज संप्रदाय पड़ा है। इसी तरह से अब श्रीजी ने प्रश्न किया, कहते हैं कि जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश। तुमने तो जो कुछ भी बताया है वे सब धर्म ग्रंथों के आधार पर नाश होने वाला है। महाप्रलय में तो इनमें से कुछ भी नहीं रहने वाला। तुमने सर्वोच्च जो ज्ञान बताया अपना वो वैकुंठ तक का बताया, जबकि महाप्रलय में तो उसका भी नाश हो जाता है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तो कहां जीव को वास। जब महाप्रलय में हमारा ये शरीर भी नहीं रहता और ब्रह्मांड भी नहीं रहता, उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत आपके द्वारा बताई गई पद्धति की सभी चीजें हैं, तो उस समय में जीव का वास कहां पर रहेगा? अब रामानुज संप्रदाय के आचार्य चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं, वो निरुत्तर हो गए। तो अब आते हैं नीमानुज आचार्य। रामानुज की कथा मैंने थोड़ी सी कुछ दिन पहले बताई थी। नीमानुज कौन है? इनको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क का अर्थ क्या है? इसमें दो शब्द मिलके बना है, नीम और अर्क। अर्क सूर्य को कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो नीमानुज आचार्य थे, इनका नियम था कि किसी अतिथि को भोजन कराए बिना ये स्वयं भोजन नहीं करते थे। और अतिथि का तात्पर्य आजकल जिसको हम गेस्ट कहते हैं, ये अतिथि नहीं है। आजकल तो अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। आजकल तो पहले से बता दिया जाता है ना, फोन करके, मैसेज करके, पोस्ट करके, व्हाट्सएप पे कि हम आ रहे हैं। लोकेशन मंगवाया जाता है, एड्रेस मंगवाया जाता है, टिकट भेजी जाती है। तो ऐसे लोगों को अतिथि नहीं कहा जाता है। अतिथि का तात्पर्य ये है, जैसे कोई सन्यासी हुआ, सन्यासी की तो कहीं आने जाने की तिथि निश्चित ही नहीं होती है। आज यहाँ है, एक दिन रुके, दो दिन रुके, अगले दिन कहीं और चले गए, और किधर जाएंगे वो भी सोच के नहीं चलते। तो इसलिए ऐसे लोग अतिथि होते हैं। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके यहाँ से होते हुए कहीं और जा रहे, गुजर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर आकर के, घर पर आकर के वो वास मांगते हैं कि आज एक दिन मुझे रहने दिया जाए, ठहरने की जगह दे दो। तो ऐसे लोग अतिथि होते हैं। तो उनका नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन ना करें तब तक वो स्वयं नहीं करते थे। और एक उनके यहाँ पर एक संत आते हैं। वो संत ऐसे होते हैं, उनका नियम होता है कि वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। तो अब वो संत जैसे ही आए, नीमानुज ने उन्हें भोजन का प्रस्ताव रखा कि आप भोजन ले लीजिए। कहते हैं कि मैं सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करता हूँ। अब बेचारे क्या करते, भोजन तो बना हुआ है, भोजन का अपमान भी नहीं कर सकते और अकेले भी नहीं खा सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने योग बल से
नीम के पेड़ के ऊपर सूर्य दिखा दिया। कहते हैं कि देखो नीम के पेड़ के पीछे सूर्य दिख रहा है अभी भी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो उन्होंने सूर्य दिखाया, फिर भोजन कराया। तो नीम के वृक्ष पर सूर्य का दर्शन कराने से उनका नाम निम्बार्क पड़ा, ऐसी कथा प्रचलित है। तो अब कहते हैं निमानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं कि मथुरा है शाला सही, हमारी जो शाला है, शाला का तात्पर्य जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका गया हो या थोड़ी देर के लिए लीला की गई हो, ठहरा गया हो, उस स्थान को शाला कहते हैं। जो स्थाई नहीं अस्थाई स्थान हो, जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ समय के लिए जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं, तो वो पाठशाला कहलाती है। जहाँ हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी घर पे मकान में ठहरते हैं एक रात के लिए, दो रात के लिए, और फिर आगे चले जाते हैं, तो ऐसे स्थान को धर्मशाला कहा जाता है। इसी तरह से खेल के मैदान पर जाते हैं तो कुछ समय के लिए खेलने जाते हैं, ऐसे स्थान को रंगशाला कहा जाता है। तो जहां कुछ समय के लिए रुका जाए, जाया जाए, ऐसे स्थान को शाला कहा जाता है। ये कहते हैं कि हम मथुरा को शाला कहते हैं। हमारा धर्म क्षेत्र गोकुल है, सुख विलास का आनंद का स्थान हमारा वृंदावन है, और हमारा धाम द्वारिका धाम है जो कि नित्य है। गोमती नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं और रुक्मिणी जी को इष्ट मानते हैं। रुक्मिणी जी को इष्ट मानने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये वैष्णव ऐसे हैं जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, विष्णु जी का अवतार मानकर। और जब कृष्ण जी की भक्ति करेंगे तो आराध्य हुए कृष्ण जी। इष्ट कौन होंगे? इष्ट होंगे राधा नहीं, क्योंकि राधा जी के साथ तो विवाह हुआ ही नहीं, इसलिए रुक्मिणी जी को तीर्थ कहा। फिर कहते हैं यजुर्वेद हर नाम की माला। हम वेदों में किसको मानते हैं? यजुर्वेद को। और हरि नाम की माला को हृदय में धारण करते हैं, जो कि हर प्रकार के छल को, माया को समाप्त करने वाला। वृंदा को हम देवी मानते हैं। वृंदा कौन है? कहा जाता है कि वृंदा एक सती थी। सती मतलब पतिव्रता स्त्री, और उनके पति का नाम जालंधर था। जालंधर बहुत लड़ाकू था, योद्धा था, और कहते हैं कि उसको इस प्रकार का वरदान था। वरदान क्या? कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक जालंधर को कोई परास्त नहीं कर सकता था। ये पौराणिक कथा है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कहते हैं ये, क्योंकि अभी तो पौराणिक ही संप्रदायों की बात चल रही है, तो कहते हैं कि विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिसका पता चलने पर वृंदा ने श्राप दिया विष्णु भगवान को पत्थर बन जाने का। तो विष्णु भगवान पत्थर बन गए, जो कि शालिग्राम के रूप में माने जाते हैं। और वृंदा जो है वो तुलसी के रूप में आई, वृंदा जो देवी है। इसलिए आपने सुना होगा कि जिस वन को वृंदावन कहा जाता है ना, उस वन में तुलसी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उस वन में तुलसी अधिक होने से उस वन का नाम वृंदावन है। तो वो जो वृंदा देवी है, जिसका वर्णन पुराण में आया है, तो उसको ये देवी मानते हैं। सारूप्य मुक्ति मानते हैं। सारूप्य मुक्ति जो है वो कौन सी मुक्ति है? जिसमें आराध्य के जैसा रूप प्राप्त होता है। और प्रणव मंत्र ओमकार को मानते हैं, और कहते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वो सृष्टि के प्रारंभिक ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनकादिकों से चला है। गोपाल वंश गायत्री को हम अपना मंत्र मानते हैं। नारद जी को आचार्य और दुर्वासा को हम अपना ऋषि मानते हैं। विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, उसको हम अपना देवता कहते हैं, जो कि सदा संतों की रक्षा करते हैं। ये निमानंद संप्रदाय की पद्धति है। श्री जी ने कहा कि सार असार को एक कियो, मिले नहीं मतभेद। आपने तो सार और असार दोनों को इकट्ठा किया। इस
महाप्रलय में नाश होने वाले संसार की बातें भी अपनी पद्धति में रखी और अखंड वृंदावन की बात भी आपने अपनी पद्धति में रखी जो कि सार और असार है। इसीलिए ये आपका मत भी वेद सम्मत नहीं है और आप बेचारे सद्गुरु के बिना क्या कर सकते हैं, आपके पास भी कोई उपाय नहीं है। जब इस तरह का प्रश्न सुना उनके पास कोई समाधान नहीं था, वो पीछे हट गए। अब विष्णु श्याम मत के आचार्य आगे आते हैं जिनको विष्णु स्वामी भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम विष्णु कांची को धर्म का शाला मानते हैं और श्वेत गंगा चक्र को तीर्थ मानते हैं। सुख विलास इंद्र दमन मध्य अर्थात इंद्रियों के दमन करने को सुख विलास मानते हैं। इंद्रियों के दमन का तात्पर्य क्या है, देखिए इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है पर पूरी तरह से नहीं, आधा सत्य है। जैसे मनुष्य को विभिन्न प्रकार के विषय भोगों की आदत होती है। पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के विषय हैं। हर इंद्रियों का जो विषय है उनको जब भोगा जाता है, उनको भोगने में मनुष्य के हृदय को क्षणिक संतुष्टि प्राप्त होती है, क्षणिक थोड़ी देर के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विषयों को भोगने से अधिक सुख, और भी कितना अधिक, कहते हैं कि विषयों को भोगने से अधिक 16 गुना अधिक सुख विषयों के त्यागने में मिलता है। तो उसी बात को यहां पर कहते हैं कि इंद्रियों को दमन करना उसको हम सुख विलास का स्थान मानते हैं, जहां पर सब निर्मल होते हैं। सब निर्मल होने का भाव क्या है, ये वैसे तो अच्छी बात है कि यदि हम इंद्रियों के विषयों की लुलुपता में फंसते हैं तो हम पवित्र नहीं रह पाते पूरी तरह से। कहीं ना कहीं मनुष्य जो भी पाप करता है वो इसी कारण से करता है। पापों का मूल क्या है पता है, पापों का मूल है लोभ। लोभ पापस्य कारणम ऐसा कहा जाता है। और लोभ का कारण क्या है, इंद्रियों की लुलुपता। क्योंकि साधारण जो आवश्यकताएं हैं, पेट भरने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र, तो साधारण रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं, पर लालच बहुत अधिक होती है मनुष्य की, और उसी लालच के कारण मनुष्य पाप करता है। और जहां इंद्रियों का ही दमन हो गया, अब क्या होगा, जो कुछ रूखा सूखा मिल रहा है वो खा रहे हैं, उसके लिए लालच करने की आवश्यकता नहीं, तो हर प्रकार के पाप से निर्मलता आती है। आगे कहते हैं कि मार्कंडेय जी को हम अपना तीर्थ मानते हैं, पुरुषोत्तमपुर धाम है, लक्ष्मी जी को अपना इष्ट मानते हैं और जगन्नाथ जी की हम सेवा करते हैं। जगन्नाथ विष्णु भगवान ही हैं। अथर्ववेद को हम अपना वेद मानते हैं और माला जो है वो नाम रूपी माला को मानते हैं। देखिए हमारी जो सेवा पूजा है, सेवा पूजा में भी जब शाम को गौरी गाई जाती है तो कहते हैं नाम माला उर्धारो साधु भाई, नाम माला उर्धारो। लेकिन विडंबना क्या है कि चाहे हमारे सुंदर साथ हो, चाहे ये वैष्णव मत के लोग हैं, मुख से क्या कह रहे हैं कि हम कौन सी माला धारण करते हैं, नाम रूपी माला को हृदय में धारण करते हैं, लेकिन गले में दर्जनों मालाएं पहने होते हैं और कहते हैं कि अगर ये नहीं पहनेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे सुंदर साथ भी कहते हैं कि ये तो पतिव्रता साधन का चिन्ह है, ये तो पहनना ही चाहिए। देखिए पहनने में पाप नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप पहनेंगे तो आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा माला के बंधन में नहीं है कि आपने पहन लिया तो जागृत नहीं होगी, पर ये भी नहीं है कि आपने नहीं पहना तो जागृत नहीं होगी। आत्मा का उस माला से कोई लेना देना है ही नहीं। कौन सी माला चाहिए, नाम रूपी माला, नाम माला उर्धारो साधु भाई, नाम माला उर्धारो। कहने को तो सब कहते हैं कि हम हृदय में नाम माला धारण करते हैं, लेकिन कंठ की माला के लिए सभी पीछे पड़े रहते हैं।
और जब तक मन में नाम की माला नहीं होगी, और वो भी कैसी माला, ऐसा नहीं कि हम मन में राच्यमजी कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है, कैसा होना चाहिए? जब जब हमारी श्वास चले उस श्वास के साथ में प्रेम पूर्वक उसे याद किया जाए, भले ही नाम अंदर अंदर ले या ना ले, क्योंकि नाम का मतलब तो पहचान से है ना, चाहे आप उसको उसको राजी कहें, राजश्यामा जी कहें, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, किसी भी शब्द से संबोधित करें, लेकिन नाम कैसा होना चाहिए? सोचिए कि इस संसार के जो लोग हैं जिन्हें अध्यात्म की इतनी ऊंची बात का पता नहीं है, वो भी कव्वाली बना करके गाते हैं कि सांसों की माला में सिमरू में बीकाना, और हम क्या करते हैं कि देखो इसने माला नहीं पहनी, उसने ये नहीं पहना, इसने ये नहीं किया। तो माला अगर रखना भी है तो कैसा होना चाहिए? किसी संत का कथन है कि माला फिरत जुग भया, माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का मन का फेर। मन का किसको कहते हैं? माला जो होती है, माले में जो छोटे छोटे दाने होते हैं उस दाने को मन का कहा जाता है। तो हाथ में जो दाने हैं उसको छोड़ करके मन से नाम रूपी मनकों को फेरना है, तब तो कोई लाभ है, वरना केवल गले में माला धारण करेंगे और हाथ में माला फिराते रहेंगे तो क्या लाभ होगा? कोई भी नहीं। कहते हैं कि एक महात्मा जी के पास एक ट्रक ड्राइवर गया। ड्राइवर महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, मेरी आत्मा के लिए भी कोई कल्याण का मार्ग बता दीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि ये माला लेके जाओ और दिन में 21 बार घुमाना, दिन में कम से कम 21 बार होना चाहिए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और बोलते हैं कि 40 दिन के बाद वापस आकर के बताना कितना लाभ होता है। वो ड्राइवर आता है वापस और बोलता है कि महात्मा जी कोई लाभ नहीं हुआ। महात्मा जी ने पूछा कि रोज करते थे? बोले रोज करता था। अरे 21 बार करते थे कम से कम? आप 21 बार कहते? मैंने इस माला को ट्रक के पहिए के साथ बांध लिया था, तो मैं जितना जोर से एक्सेलरेटर देता था उतने ही जोर से माला घूमता था, तो सोचिए कितनी बार घूमता होगा। बिना पहचान के, बिना भाव के उंगलियों में माला घुमाना और पहिए में डाल के घुमाना कोई अंतर नहीं है। ऐसे तो तोता को भी आप रटा देंगे, राजश्यामा जी, वो तोता भी राजश्यामा जी बोलेगा, पर हृदय में भाव ही नहीं है। और जब तक हृदय में भाव नहीं है तब तक केवल नाम लेने से कोई लाभ नहीं होता है। तो कहने को तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम नाम रूपी माला धारण करते हैं, और इन्होंने भी अपना गोत्र बताया है, हमारा गोत्र अच्युत है और त्रिपुरारी शाखा धार, त्रिपुरारी हमारी शाखा है। त्रिपुरारी किसको कहते हैं? त्रिपुरारी शिवजी को कहा जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि तीन राक्षस थे और उनको सामूहिक रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर तीन अलग अलग वो राज्यों में रहते थे, उनका अत्याचार बढ़ रहा था और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वे तीनों अगर कोई तीनों को एक साथ मारे तभी वो मर सकते हैं, वरना अलग अलग समय पर तीनों को मार पाना संभव नहीं था। तो शिवजी ने जो त्रिशूल का निर्माण किया है ना, शिवजी ने त्रिशूल इसीलिए धारण किया, ऐसा पौराणिक कथन है। तो वो तीन है ना, उसमें तीन नोक हैं, तो उन तीनों नोकों से एक साथ उन्होंने त्रिपुरासुरों का संहार किया था। तो अरी कहते हैं शत्रु को, तो त्रिपुरासुर के अरी होने से, शत्रु होने से शिवजी को त्रिपुरारी कहा जाता है। ये कहते हैं कि हम त्रिपुरारी को अपनी शाखा मानते हैं, और हमारा जो संप्रदाय है वो भी महादेव से चला है। ब्रह्म गायत्री को हम गायत्री मानते हैं, ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री, हनुमान गायत्री, गणेश गायत्री, ये सब क्या है? ये भ्रम है, भ्रांति है, आडंबर पाखंड है। गायत्री एक छंद का नाम है,
गायत्री देवी भी नहीं है। आज जगह जगह पर गायत्री माता मंदिर बने हुए हैं, और ये तब से प्रचलन में आया जब से हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार के जो संस्थापक रहे हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने गायत्री का प्रचार करना शुरू कर दिया। ज्ञान कुंज गायत्री करके उनकी संस्थान बनी, तो वहां पर मूर्ति बनी हुई है। लोगों ने उसी प्रकार की मूर्ति, उसी प्रकार के मंदिर जगह जगह पर बनाए, फोटोज इत्यादि शेयर होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। गायत्री कोई ऐसी देवी नहीं है, चार हाथ आठ हाथ दस हाथ वाली देवी नहीं है। गायत्री छंद का नाम है। उसमें किसकी उपासना की गई है? किसी देवी की नहीं, उसमें तो सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति की है। इसका अर्थ क्या होता है गायत्री मंत्र का? उसके शब्द आपको याद हो तो उसमें आता है ओम भू भुवः स्वः। ओम क्या है? ओम है तस्य वाचकः प्रणवः, उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म का वाचक नाम है ओम। और कहते हैं वह कैसा है? भू भुवः स्वः। भू शब्द का अर्थ क्या होता है? भू सत्तायाम धातु से भू शब्द बना है, तो उसका अर्थ होता है सत। भुव अवचिंतने से भुव शब्द बना है, तो इसका अर्थ होगा चेतन। और स्व का अर्थ होता है आनंद, जैसे स्वर्ग होता है ना, आनंद का स्थान जहां जाने पर स्व अर्थात आनंद की प्राप्ति हो, तो भू भुव स्व का अर्थ होता है सच्चिदानंद। तो उपासना किसकी की गई इसमें? किसी स्त्री की थोड़ी है। उसके बाद आगे और शब्द आते हैं ओम भू भुव स्व तत् सवितुः वरेण्यम। तत् अर्थात वह, सवितु अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान, ज्ञान का प्रकाश। वरेण्यम जिसको वरण करना चाहिए, जिसको चुनना चाहिए, जो वरण करने योग्य हो। भर्गः, भर्ग का भी प्रकाशमान होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, धी कहते हैं बुद्धि को। कहते हैं हे परब्रह्म, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हैं और आप सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, आप हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित कीजिए। ये गायत्री का अर्थ है। और गायत्री मंत्र एक प्रकार का छंद है। उस छंद में 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक छंद की एक सीमा होती है। उसी सीमा के अंतर्गत रह करके, और केवल 24 मात्राओं से नहीं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गण भी होते हैं, फिर उदात अनुदात स्वरित करके बहुत सारे उसमें नियम लगते हैं। छंद बनाने का नियम होता है, उसको जानने के लिए आपको छंद शास्त्र पढ़ना होगा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के छंद उपछंद का वर्णन होता है। तो बहुत सारे छंदों में से एक छंद गायत्री है। अब बाद में लोगों ने क्या किया, उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि गायत्री तो छंद का नाम है, उन्होंने अलग अलग देवी देवता के नाम से गायत्री बनाई। एक एक शब्द का परिवर्तन करके उन्होंने ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मा गायत्री, हनुमान जी के नाम से हनुमान गायत्री, राम के नाम से राम गायत्री, गणेश जी के नाम से गणेश गायत्री, विष्णु भगवान के नाम से विष्णु गायत्री, इस तरह से भिन्न भिन्न देवी देवताओं के नाम से गायत्री मंत्र बनाया है। और कहते हैं हमारी जो मुक्ति है वो सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति अर्थात जिसकी भक्ति करते हैं उसी के अंदर समा जाना, ये सायुज्य मुक्ति कहलाता है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय की पद्धति है। श्री जी कहते हैं कि तुम तो ए जग में कही ए वचन कहे श्रीराज, वेद पुराण जग नाश कहे रहे कहां संप्रदाय विराज। आपने जो कुछ भी कहा वो इसी संप्रदाय के अंदर का ही कहा, और वेद पुराणों में धर्म ग्रंथों में जगत का नाश बताया है, तो ऐसे समय में आपका संप्रदाय कहाँ रहता है? सबसे एक जैसा ही सवाल है, क्योंकि सबके संप्रदाय की पद्धति भी एक जैसी है। अब माधवाचार्य मत के आचार्य आ गया और कहते हैं कि पूरी अवंतिका शाला सही। अवंतिका पूरी किसको कहते हैं? उज्जैन। और उसको शाला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये वैष्णव है, कहीं न कहीं विष्णु भगवान से कृष्ण जी से जुड़े हुए स्थान है। तो अवंतिकापुरी में उज्जैन में, उज्जैन में ही तो है ना सांदीपनि ऋषि का आश्रम था ना, जहां पर कृष्ण जी सुदामा इन सब ने ज्ञान ग्रहण किया था, तो इसीलिए उसको शाला कहते हैं।
नैमिषारण्य क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, इंद्रियों का दमन करना, इन्होंने भी अपना जो सुख विलास का स्थान है वो उसी को माना है। बद्रीनाथ को धाम मानते हैं, अलकनंदा जो नदी है उसको तीर्थ मानते हैं। अलकनंदा कहाँ पड़ती है? देखिए जो गंगा है ये प्रमुख रूप से अलकनंदा और भागीरथी जो है ये सब मिलकर के गंगा बनती है। तो ये समझ लीजिए कि हरिद्वार में आकर के अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं, उसी को यहाँ पर तीर्थ कहा गया है। सावित्री जो है उनको इष्ट मानते हैं, और जो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है उसको हम वेद के रूप में मानते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हर नाम की माला उर में अर्थात हृदय में जपते हैं, विष्णु गायत्री मानते हैं। इससे पहले ब्रह्म गायत्री था, अब विष्णु गायत्री। और विष्णु जी ने जो एक बार हंस रूप धारण किया था, हंस रूप कब धारण किया था? आपने प्रकाश की वाणी पढ़ी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जिसमें मन और जीव का बेवरा बताया है, जिसमें विष्णु भगवान हंस रूप धारण करते हैं और सनकादिक को शिक्षा देते हैं, सनकादिक को उपदेश देते हैं। तो वो जो रूप है उसको मंत्र के रूप में भी मानते हैं, ब्रह्मा जी को आचार्य मानते हैं, और उसी हंस रूप को पुनः देवता मानते हैं। और ब्रह्मा जी से ये संप्रदाय चली है, सालोक्य मुक्ति अर्थात उन्हीं के लोक में, वैकुंठ लोक में हमारी मुक्ति है, ये माधवाचार्य संप्रदाय की पद्धति है। श्री जी क्या कहते हैं? ए तो कही जग माही, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काही। चाहे वो अवंतिका हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे बद्रीनाथ हो, ये सब तो इसी जगत के अंदर की है, लेकिन महाप्रलय में तुम्हारी मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा? अब सोचिए सालोक्य मुक्ति कहाँ पड़ती है? सालोक्य मतलब उन्हीं के लोक में, विष्णु भगवान के भक्त तो लोक वैकुंठ होगा, लेकिन महाप्रलय में तो 14 लोक का नाश हो जाता है, ये हम वितक के प्रारंभ से सुनते आ रहे हैं। तो तब मुक्ति का स्थान कौन सा रहेगा? इस प्रकार श्री जी ने प्रश्न पूछा। अब चारों जो वैष्णवों के आचार्य हैं वे निरुत्तर हो चुके हैं, तो उसके आगे अब 10 नाम सन्यासी आते हैं। कल हमने सन्यासियों का नाम तो सुना था, सन्यासी के नाम क्या है? तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरी पर्वत सागर पुरी भारती और सरस्वती। तो 10 नाम सन्यासी के जो आचार्य हैं वो आगे आते हैं और कहते हैं कि हम 10 नाम सन्यासी हैं, हमारी 7 प्रकार की मन्याएं हैं, मान्यताएं हैं, 4 मठ है, और इन मठों में जो सर्वोपरि जो कहलाता है वो परमहंस है। सन्यासियों में सबसे ऊपर की जो अवस्था है वो परमहंस अवस्था कही जाती है। 7 मन्याओं के बारे में अगर देखना है तो हम वितक में देख सकते हैं। और योगा वशिष्ठ एक ग्रंथ है, उसमें योग की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। उन 7 भूमिकाओं में जो सर्वोपरि भूमिका है वो परमहंस अवस्था है। 5वीं जो अवस्था है वो वैदेही अवस्था है, विदेह जिसको कहा जाता है। 6ठी अवस्था हंस अवस्था है, और 7वीं अवस्था परमहंस अवस्था है। और ये सभी अवस्था सन्यासियों की है। और इन सन्यासियों की जो 10 नाम परंपरा कहाँ से चली है? कल हमने संक्षेप में सुना था कि चारों जो युग हैं, चारों युगों में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न आचार्य हुए, जो जिन्होंने सन्यास मत का प्रतिनिधित्व किया। ऐसी मान्यता रही है, कहते हैं कि माता पिता का उद्धार करने के लिए, स्वयं के जीव का उद्धार करने के लिए, अपने पूर्व जन्म का कल्याण करने के लिए और पुनर्जन्म से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए सर्वोपयुक्त सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो सन्यास मार्ग है। कहते हैं कि
जिस कुल में कोई व्यक्ति सन्यासी होता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं उस कुल के। वास्तव में तो ये कथन है, ऐसा नहीं है कि किसी कुल में एक सन्यासी हुआ और बाकी दूसरे के पाप धुल जाएंगे। पर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी कुल में से कोई सन्यासी हो जो कि वास्तव में सन्यास धर्म का पालन करने वाला हो। आजकल तो सन्यासी भी गृहस्थों से बढ़कर के गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। एक गृहस्थी सामान्य रूप से उसका संबंध एक पत्नी के साथ होता है और एक तथाकथित सन्यासी की गिनती नहीं होती। एक गृहस्थी एक निश्चित आमदनी में प्रसन्न होता है और एक सन्यासी व्यक्ति उसकी आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। एक गृहस्थी व्यक्ति एक छोटे से परिवार में प्रसन्न होता है और एक सन्यासी वो सोचता है कि मेरा परिवार जितना बड़ा हो, मेरा कुटुंब जितना बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा है। पर यदि कोई वास्तविक सन्यासी हो जो सन्यास धर्म का पालन करने वाला हो तो उसके परिवार के लोगों में भी कहीं ना कहीं ये मर्यादा रहती है कि यदि हमने मर्यादा का हनन किया तो लोगों को लोगों की बातें उसको सुननी पड़ेगी जो सन्यास लिया है। जब घर के लोग ही ऐसे होंगे, जब घर के लोग ही धर्म विरुद्ध काम करेंगे तो हमारा जो घर का व्यक्ति सन्यासी हुआ है वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा। इसलिए एक सामान्य दबाव रहता है, एक सामाजिक दबाव भी रहता है। अगर मान लीजिए कि किसी घर में सन्यासी हुआ है बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का और उस घर का कोई लड़का चोरी करे मान लीजिए, तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि देखो तुम्हारे घर पे फलाना तो सन्यासी हुआ है, साधु हुआ है और एक दूसरा वहीं पर चोर हुआ है। इस तरह से विभिन्न प्रकार का सामाजिक दबाव होता है और उस कारण से हो सकता है कि कोई व्यक्ति पाप कर्म करने से बचे। पर पाप करते रहे और किसी एक को सन्यासी बना दे तो पाप नहीं धुलता है, पर एक मान्यता है। अब चारों युग में सन्यास मत के जो प्रतिनिधि हुए हैं उनकी बात कह रहे हैं। सबसे पहले सतयुग में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये सन्यास मत के प्रतिनिधि कहलाते हैं। त्रेता युग में वशिष्ठ शक्ति और पराशर, वैसे तो मैंने कल भी कह दिया था संक्षेप में अंतिम में, अभी थोड़ा सा विस्तार से इस विषय में जानते हैं। द्वापर युग में दो आचार्य हुए, सुखदेव और व्यास। और कलयुग में पुनः तीन आचार्य हुए, गौड़ गोविंद और शंकर, जिनमें से शंकराचार्य जी सर्वोपरि माने जाते हैं। शंकराचार्य जी का स्थान सभी सन्यासियों में, कलयुग के सन्यासियों में सर्वोपरि माना जाता है। जिस समय शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय नास्तिकता अपनी प्रबलता पर था। शंकराचार्य जी ने अल्प आयु में ही, क्योंकि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पूर्व जन्म के तप का फल भी हो सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि लगभग 30-32 वर्ष की उम्र में तो उनका देह त्याग हो चुका था। तो 30-32 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन इतने में उन्होंने पूरे भारत वर्ष में घूम करके वेदांत का प्रचार किया, सर्वम खलविदम ब्रह्म का प्रचार किया। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे भाष्य भी लिखे हैं, दर्शन पर उन्होंने भाष्य लिखा है, वेदांत दर्शन पर भाष्य लिखा, कई ग्रंथों की रचना भी की, चार स्थानों में चार मठों की उन्होंने स्थापना की। और ये इतनी अल्प आयु में सामान्य व्यक्ति के द्वारा तो नहीं हो सकता, तो ये पूर्व जन्म के तप का ही प्रभाव है। तो उन शंकराचार्य ने क्या सोचा कि उस समय के जो सन्यासी थे या जो साधु बनते थे वो कैसे थे, अपने लिए करने वाले कि सन्यास ले लिया और फिर शांति से
जीवन यापन कर रहे हैं, धर्म प्रचार से किसी को कोई लेना देना नहीं। और उसका परिणाम क्या था कि पूरे भारतवर्ष में बौद्धों के द्वारा नास्तिकता का प्रचार हो रहा था, क्योंकि बौद्ध ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और नास्तिकता के कारण अब होता क्या, देखिए, आस्तिकता अगर कहीं ना कहीं किसी के मन में होती है, भले ही धर्म के विषय में ज्ञान कम हो या ना हो, लेकिन अगर किसी के मन में ये भाव हो कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता है, तो वो पाप कर्म करने से डरता है। अगर वो करेगा भी तब भी डरते डरते करेगा। लेकिन अगर परमात्मा के अस्तित्व को ही हटा दिया जाए कि परमात्मा तो है ही नहीं, फिर मनुष्य पाप कर्म करने से नहीं डरता है। इस तरह पहले नास्तिकता फैली और साथ में वाम मार्ग का प्रचार हो रहा था। अब शंकराचार्य जी ने सोचा कि यदि सन्यासी धर्म का प्रचार करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो धर्म का लोप हो जाएगा किसी दिन। इसलिए उन्होंने नियम बनाया, अपने उन्होंने चार शिष्य तैयार किए। उनका नाम है ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नरटोटकाचार्य और चौथे श्रृंगी ऋषि। उन चारों ऋषियों को चार स्थानों में रखा गया, चार दिशाओं में, जो चार मठ हैं, जैसे गोवर्धन मठ है, शारदा मठ है, जोशी मठ है, श्रृंगेरी मठ है। इन चारों मठों में चार आचार्यों को रखा गया। और वो भी क्या नियम बनाया, साथ में जनता के लिए, बाकी धार्मिक लोगों के लिए भी नियम बनाया कि आप तीर्थ यात्रा करने का, जो पूर्व के लोग होंगे उनको पश्चिम के मठ में जाना है दर्शन के लिए, पश्चिम के लोग होंगे वो पूर्व जाएंगे, इसी तरह उत्तर के लोग दक्षिण में, दक्षिण के लोग उत्तर में, इसी बहाने कम से कम लोगों में कर्मठता होगी, वरना अकर्मण्यता इतना अधिक घर कर गई थी कि कोई कुछ करता ही नहीं था धर्म के नाम पर। शंकराचार्य जी ने सोचा कि इनको अलग अलग जगह पे दौड़ाएंगे तो कम से कम अलग अलग स्थानों की संस्कृति को सीखेंगे, परंपराओं को देखेंगे, जानेंगे, थोड़े कर्मठ बनेंगे, कर्मयोगी बनेंगे। इस भाव से उन्होंने नियम बना करके चार मठ बनाए, चारों मठ में उन चारों शिष्यों को रख दिया। उन चार शिष्यों के 10 शिष्य हुए, और वही जो 10 शिष्य हुए जिनके नाम से 10 नाम सन्यासी मत चली है, तीर्थ आश्रम, वन आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, इन सभी नामों का अपना अपना अर्थ होता है। सिर्फ नाम के आगे लगाने के लिए नहीं, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, सन्यासी हैं, इसलिए उनके नाम के आगे सरस्वती शब्द जुड़ा है। किसी के आगे तीर्थ जुड़ता है, किसी के आगे पुरी जुड़ती है, ऐसे भिन्न भिन्न नाम जुड़ते हैं। 10 नाम में से हर सन्यासी इन 10 नाम के अंतर्गत ही आएगा। वास्तव में तो कोई ये संप्रदाय नहीं है, 10 नाम सन्यासी किसी भी संप्रदाय में हो सकते हैं। तो उन सन्यासियों ने अपनी अपनी पद्धति बताई, श्री जी ने उन सब की बात सुनी, और उसके पश्चात अब आते हैं 6 दर्शन के आचार्य। अब अगला जो प्रकरण है वो है अथ खट दर्शन की विध। अब 6 दर्शन की पद्धति बता रहे हैं। अब 6 दर्शन के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि हमारी जो मान्यता है वो प्राचीन मान्यता है। देखिए, प्राचीन मान्यता कैसे, दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है, कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके देखने का तात्पर्य जानना, जिसके द्वारा देखा जाए, जाना जाए, उसे दर्शन कहा जाता है। किसको जानना है, क्या जानना है, तत्वों का, पदार्थ का, वास्तविक स्वरूप किसी भी पदार्थ का। और यहाँ पदार्थ कहने का मेरा तात्पर्य केवल 5 तत्वों से नहीं है, या तत्व कहने से आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की मत समझना। प्रसंग के अनुरूप तत्वों की व्याख्या अलग अलग होती है। प्रसंग के अनुरूप
पदार्थों की व्याख्या भी अलग अलग होती है। हर दर्शन में भिन्न भिन्न पदार्थों का वर्णन आता है। तो प्रारंभ में जब वेद अवतरित हुए, वेदों के बाद उनके व्याख्यान रूप में उपनिषद लिखे गए, और जब खोज की परंपरा चलती रही, सबसे पहले जो खोज का प्रारंभ होता है दर्शन में, यदि आप में से कोई व्यक्ति 6 दर्शनों को पढ़ना चाहता है, पूरे विषय को समझना चाहता है एक के बाद एक करके, तो सबसे पहले उसे मीमांसा दर्शन पढ़ना होता है। क्योंकि मीमांसा दर्शन का अर्थ क्या होता है? मीमांसा का अर्थ होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। मीमांसा दर्शन का सबसे प्रारंभिक कथन है कि धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, और जब जिज्ञासा की जाती है और विचार किया जाता है, मीमांसा का अर्थ विचार भी होता है, जब विचार किया जाता है धर्म को जानने की, तो उसके बाद फिर खोज प्रारंभ होता है। इच्छा के बाद ही तो खोज प्रारंभ होता है। हमारी वित्तक का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देवचंद्र जी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उसके बाद उन्होंने खोज प्रारंभ किया। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ की जाती है, सबसे पहले मीमांसा दर्शन, उसके बाद फिर प्रारंभ होता है वैशेषिक। देखिए, मीमांसा दर्शन में जो खोज प्रारंभ होगा, जिज्ञासा प्रारंभ होगी, तो वो जिज्ञासा होगी प्रारंभिक जिज्ञासा। प्रारंभिक मतलब शुरुआत की जिज्ञासा। लेकिन वैशेषिक का अर्थ होता है विशेष। तो प्रारंभिक का मतलब हो गया बिगिनर, जिसको कहते हैं ना। शुरुआत में जिज्ञासा इतनी प्रगाढ़ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे खोज करते जाते हैं रुचि पूर्वक, तो जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो वैशेषिक दर्शन में विशेष रूप से जिज्ञासा की गई है, और विशेष रूप से उसी धर्म का और अधिक विश्लेषण किया गया है जिस धर्म के खोज का प्रारंभ मीमांसा दर्शन में किया गया है। उसके बाद देखिए, अब ज्ञान को जानने की जिज्ञासा प्रारंभ की गई, और उसके बाद विशेष रूप से और जिज्ञासा आगे बढ़ी, तो हम पहुंचते हैं न्याय दर्शन पर। तीसरा जो दर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए न्याय दर्शन, क्योंकि खोज प्रारंभ की, न्याय दर्शन क्या करता है? न्याय दर्शन हमें प्रमाणों के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाता है, एक निर्णय तक पहुंचाता है। नियते अनेन इति न्याय, जो पहुंचाए कहीं पर, किसी निश्चितता की तरफ पहुंचाए, उसको कहते हैं न्याय। तो प्रमाणों के द्वारा जो निर्णय तक पहुंचाए वह न्याय दर्शन है। जैसे कि ज्ञान प्राप्त करने के 4 साधन हमारे यहाँ बताए जाते हैं ऋषियों के द्वारा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण मतलब तो सुनना हो गया, मनन अब अंदर विचार विमर्श किया जाता है, निधिध्यासन में अब केवल विचार विमर्श नहीं होता है, परीक्षण भी होता है। तो परीक्षण कैसे होगा? परीक्षण होगा प्रमाणों के द्वारा। तो न्याय दर्शन में उन्हीं प्रमाणों की व्याख्या की गई है विशेष रूप से। उसके बाद आता है योग दर्शन। योग दर्शन जो बना है वो सब बना है योग शब्द से, और योग शब्द कैसे बना है? युज समाधौ धातु से। युज समाधौ का अर्थ क्या होता है? कि समाधि का अर्थ होता है साक्षात्कार करना। पहले आपने श्रवण किया, मनन किया, प्रमाणों के द्वारा परीक्षण किया, लेकिन वास्तविक स्वरूप तो समाधि अवस्था में ही की जा सकती है। वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार समाधि अवस्था में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी विषय में बात करते हैं, मान लीजिए कि सृष्टि के प्रारंभ के विषय में बात की कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ भी नहीं था। हम वाणी में भी कहते हैं ना, कल भी हमने चौपाई सुनी कि अब कहो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजे मोह अहंकार, नहीं निराकार नहीं शून्य ना निर्गुण ना निरंजन। ये तो हमने शब्द से सुना,
सूत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा हमने विचार विमर्श भी किया, हमने शब्द प्रमाण के द्वारा उसको एक दृष्टि के लिए उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन क्या हमें पता है कि हम क्या करें, वो वास्तव में क्या हुआ होगा? तो वो जो भी हुआ होगा उसका साक्षात्कार कब किया जा सकता है? समाधि अवस्था में। तो उसका जो वर्णन किया गया है पूर्ण रूप से वो योग दर्शन में है। योग जो दर्शन है उसमें समाधि तक का वर्णन है, साक्षात्कार तक का वर्णन है। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य का अर्थ होता है जैसे संख्या, पता है आपको संख्या मतलब नंबर्स। तो सांख्य जो है वो निश्चयात्मकता का ज्ञान है, निश्चितता का, कि ऐसा है तो ऐसा ही है, इतना है तो इतना ही है, क्योंकि जहां भी संख्या आएगी वहां निश्चितता होगी कि नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर आप पूछें कि आप मुझे पूछेंगे कि आप ज्ञानपीठ में कहां पर रहते हैं, तो मैं कह दूंगा कि उधर भवन में रहता हूं, मैं आदर्श भवन में। तो आपको पता चला मैं कहां रहता हूं? नहीं पता चला। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मैं 14 नंबर में रहता हूं, जैसे ही संख्या आई अब आपको निश्चित हो गया कि अशोक जी मिलेंगे तो यहीं पे मिलेंगे, समझे? आपको पूछा जाए कि आपने कितनी रोटी खाई, आप कहेंगे कि बहुत खाई, पता चलेगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर आप कहेंगे कि मैंने 4 रोटी खाई, जैसे ही संख्या आई निश्चितता हो गई। तो सांख्य का अर्थ होता है निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चितता का ज्ञान। समाधि के द्वारा जो बताया गया है, जैसे अभी मैंने सृष्टि के प्रारंभ की बात की, तो समाधिस्थ होकर के ऋषियों ने देखा और क्या कहा? महदाख्यम कार्यम तत् मनः, महतत्व से जो उत्पन्न हुआ है कार्य रूप में तो वो मन है। फिर उसके बाद में किस तरह से सत्व रज और तम तीन गुणों की उत्पत्ति होती है, और सत्व रज तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति से महतत्व, फिर महतत्व से अहंकार, फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं। ये सभी बातें कहाँ लिखी है? ये सभी बातें उन ऋषियों ने साक्षात्कार करके बताया, इसलिए निश्चितता है। सांख्य दर्शन में निश्चित रूप से सृष्टि के तत्वों का भिन्न भिन्न पृथक पृथक वर्गीकरण किया गया है, इसीलिए उस दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता है। अब वो निश्चयात्मक ज्ञान है। अब बचा अंतिम वेदांत दर्शन। वेदांत, वेदांत का अर्थ होता है वेद का निर्णय, क्योंकि ये जो 6 के 6 दर्शन है वे क्या है? ये वैदिक ग्रंथ है। वेद का जो निर्णय है, अथवा इसको ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान का जो अंत है, वेद का अंत, वेद का अर्थ हो गया ज्ञान, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना है, और अंत का अर्थ हो गया कि वेद की अंतिम सीमा क्या है, अंतिम में किसके विषय में बात करेंगे? तो वो बात करेंगे ब्रह्म के विषय में। शुरुआत की धर्म से लेकर के, जिज्ञासा से लेकर के, और अंत कहां पर किया? ब्रह्म में पहुंच करके। तो वेदांत दर्शन ने सबसे पहले किस सूत्र के बारे में बताया, किसके बारे में? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वेद का जो अंतिम ज्ञान है, या वेद के ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा जो है, या वेद के ज्ञान की जो परम सीमा है जो है ब्रह्म, उस ब्रह्म के विषय में बताया गया है वेदांत दर्शन में। इस प्रकार ये 6 दर्शन हैं, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। प्रारंभ के जो 3 दर्शन हैं, मीमांसा, वैशेषिक और न्याय, ये थोड़े से शुष्क लगते हैं। साधक जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको शुष्क लगेंगे। हाँ, जो जिनका जिनको बुद्धि विलास की आदत होगी, जिनकी रटने की क्षमता होगी, तार्किक क्षमता होगी, उन्हें बहुत रुचिप्रद लगेंगे। और बाद के जो 3 दर्शन है, योग, सांख्य और वेदांत, इसमें तो क्योंकि योग दर्शन मतलब ध्यानियों के लिए, साधकों के लिए, सांख्य दर्शन और योग दर्शन जुड़वा भाई समझ लीजिए। आप दोनों दर्शनों को खोल करके बैठेंगे तो लगेगा कि दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं, कई सूत्र उसमें भाव मिलता जुलता है, और वेदांत दर्शन में ब्रह्म के विषय में बताया गया है। तो इस तरह ये 6 दर्शन हो गए।
अब ये छह दर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, छह दर्शन का मूल उद्देश्य है, पहली बात तो ज्ञान, वस्तु का वास्तविक ज्ञान बताना, और विषय है सृष्टि कि सृष्टि बनने का कारण क्या है। क्योंकि ज्ञान का जो प्रारंभ होता है मनुष्य बहिर्दृष्टि से ही करता है, पहले बाहर खोज करता है कि नहीं। मनुष्य खोज करेगा तो पहले जिसको वो देख सकता है, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो कान से सुन सकता है, इंद्रियों से अनुभव कर सकता है, उसमें प्रारंभ करता है। धीरे धीरे वो सूक्ष्मता की तरफ बढ़ता है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। अथवा इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो जितना शक्तिशाली होता है वो उतना ही सूक्ष्म होता है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। सूक्ष्म का तात्पर्य फिर आप उसको भिन्न रूप में मत लेना। सूक्ष्म का तात्पर्य ऐसा समझना कि परमात्मा जो है वो बहुत छोटा है। सूक्ष्म का और स्थूल का भाव यहाँ पर भिन्न है। स्थूल का तात्पर्य इंद्रियों से जिसका अनुभव किया जा सके, और सूक्ष्म का तात्पर्य है जिनका अनुभव इंद्रिय से नहीं हो सकता है। शाब्दिक अर्थ तो छोटा बड़ा ही होता है, सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है और स्थूल का अर्थ बड़ा होता है। तो छह दर्शन जो है वो सृष्टि के बारे में बताते हैं, सृष्टि बनने के कारणों के बारे में। सृष्टि बनने के प्रमुख रूप से तो तीन कारण है। तीन कारण क्या है? प्रमुख तीन कारण, वैसे छह कारण हो जाएंगे व्याख्या में जाएंगे तो। प्रमुख तीन कारण है, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। निमित्त कारण का तात्पर्य है जो बनाने वाला है। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार है तो कुम्हार निमित्त कारण है। उपादान कारण होता है जिस जिसके जो जो सामग्रियां लगती है वो उपादान कारण है। जैसे घड़ा बनने में मिट्टी, पानी, चाक, धागा, ये सब लगता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया उपादान कारण। और उसके अलावा साधारण कारण में क्या आता है? जैसे समय, क्योंकि समय बिना लगे नहीं बन सकता है, समय लगता है, पुरुषार्थ लगता है, ज्ञान लगता है, ठीक है। तो इन तीन प्रमुख कारण की व्याख्या में छह दर्शनों की रचना हुई है। लेकिन जैसा कि हमने परसों की चर्चा में भी सुना था, आज भी प्रारंभ में हमने सुना कि जैसे जैसे ज्ञान का लोप होता गया, पहले लोग चारों वेद पढ़ने वाले होते थे धीरे धीरे, अब तीन दो एक पर पहुंचे, उसके बाद में फिर वेद भी समझ में नहीं आने लगा। अब वेद त्रयी का स्थान ले लिया था प्रस्थान त्रयी ने। प्रस्थान त्रयी में आते हैं उपनिषद, ग्यारह उपनिषद, गीता और वेदांत दर्शन। फिर उपनिषद से भी थोड़ी थोड़ी समस्या होने प्रारंभ हुई, तो लोगों ने एक एक दर्शन को पढ़ना शुरू किया। और जो कोई एक दर्शन भी पढ़ लेता था इस समय मध्य काल में, मुगल काल में, श्री जी के समय में, तो कोई एक दर्शन भी पढ़ लेता था तो स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझता था, और समाज भी ऐसे लोगों को बड़ा विद्वान समझता था। तो अब एक एक दर्शन पढ़ने के कारण सभी अपने अपने दर्शन को बड़ा बताने लग गए, क्योंकि पढ़ा एक ही है। तो हुआ क्या कि जैसे जिसने वेदांत दर्शन पढ़ा उसको लगा वेदांत दर्शन सबसे बड़ा है, जिसने मीमांसा दर्शन पढ़ा उसको लगा मीमांसा दर्शन सबसे अच्छा है। और जिस जिस दर्शन में प्रमुख रूप से जो जो बातें लिखी थी उन्होंने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसे मीमांसा दर्शन में कर्म के विषय में बताया गया है, विशेष रूप से मीमांसा दर्शन में बहुत अधिक कर्मकांड का वर्णन है, यज्ञ से लेकर के विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों का भी उसमें वर्णन आता है, ठीक है। और छह दर्शन में सबसे ज्यादा सूत्रों की जो संख्या है, मेरे विचार से लगभग 2300 से अधिक सूत्र है। बाकी पांच दर्शन मिला करके भी मीमांसा दर्शन से छोटे रहते हैं, इतना बड़ा है। अब उसमें कर्म के विषय में बताया है, तो जो मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं वो कहते हैं कि कर्म ही ब्रह्म है। इसी तरह से वैशेषिक दर्शन में समय का वर्णन है,
समय को काल भी कहते हैं, तो वैसे सिख दर्शन के आचार्य कहते हैं काल ही ब्रह्म है। इस तरह हर दर्शन के आचार्य ने अपना अपना सिद्धांत बना लिया था उस समय। अब वास्तविकता इसकी भिन्न है, तो पहले हम थोड़ा सा इन दर्शनों के आचार्यों ने जो अपनी पद्धति के बारे में बताया उसके बारे में सुन लेते हैं कि उस समय उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले न्याय दर्शन के आचार्य आए और कहते हैं कि माया, जीव और ईश्वर, ये तीन अनादि तत्वों को हम मानते हैं, तथा 21 जो सीढ़ियां हैं दुख की हम उसको मानते हैं कि और जब दुख की 21 सीढ़ियों का नाश हो जाता है तब जाकर के हम मानते हैं कि शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अब वो 21 सीढ़ियां क्या है, देखिए ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 तत्व है। इसी तरह से मन, बुद्धि और अहंकार है, 18 हो गए, और सुख दुख तथा शरीर ये हो गए 21। अब यहां पर सुख दुख और शरीर में सुख को भी दुख की सीढ़ी बताई जा रही है, तो आपको थोड़ा सा संशय हो सकता है कि ये कौन सा सुख है जो दुख की सीढ़ी है। तो इसमें लौकिक सुख की बात की जा रही है, लौकिक सुख भी दुख की सीढ़ी है। वो कैसे, क्योंकि आप इस संसार में जिसको लौकिक सुख कहते हैं उसको पाने के लिए पहले दुख करना पड़ता है, पहले दुखी होना पड़ता है। जैसे इस संसार में किसी किसी में सुख मिलेगा, किसी को भोजन में सुख मिलता, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाने में, लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन स्वादिष्ट कब लगता है, जब भूख लगी हो। जब भूख लगी ही नहीं तो स्वादिष्ट व्यंजन कितना भी हो, पेट भरने के बाद आपको मटर पनीर दिया जाए अच्छा थोड़ी लगेगा कि नहीं, और भूखे हो तो कुछ भी अच्छा लग जाता है, ठीक है। भूख क्या है, सुख है कि दुख है? हाँ जी, भूख क्या है, सुख है कि दुख है? भूख दुख है, लेकिन कभी व्यक्ति भूख नहीं लगती तब भी दुखी होता है, समझ रहे मेरी बात? तो कभी यही सुख है, कभी यही दुख है। तो इस संसार में सुखी होने के लिए भी पहले दुखी होना पड़ता है। भोजन का सुख चाहिए तो भूख रूपी दुख से पहले दुखी होंगे, तभी भोजन रूपी सुख प्राप्त होगा। यदि आपको शीतल सुगंधित मधुर शरबत का सुख लेना है तो पहले प्यास रूपी दुख से दुखी होना पड़ता है। तो इस संसार में जिस सुख को आप सुख समझते हैं वो सभी दुख मिले हुए हैं, साथ में दुख आता ही है, ऐसा कोई सुख नहीं जिसके साथ में दुख ना आए, ठीक है। इसको मैं एक दृष्टांत से समझाता हूं। एक पश्चिम में, पश्चिम मतलब समझते हैं जैसे भारतवर्ष को, भारतीय दर्शन को पूर्वीय दर्शन कहा जाता है, और यूरोपीय जो दर्शन है उसको पाश्चात्य या पश्चिमी दर्शन कहा जाता है। पश्चिम में एक दर्शन आता है, उस समय कोई दार्शनिक हुए तो उस दार्शनिक के समय में एक राजा था, उस राजा को एक लड़की से बहुत अधिक लगाव हुआ जिसको उसने प्रेम का नाम दिया, ठीक है, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्रेम हुआ, और बहुत अधिक आकर्षित हुआ। उस लड़की के पास वो जाता है, राजा बहुत ध्यान से समझना इस बात को, मैं सुख और दुख को समझाना चाह रहा हूं, वैसे ये दृष्टांत बहुत सारी चीजों में समझी जा सकती है, और शायद ये दृष्टांत आपने इससे पहले सुना भी नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। तो वो राजा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं इस देश का राजा हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वो कहती है कि मैं पहले ही किसी एक को, किसी पुरुष को अपना दिल दे बैठी हूं, तो मेरे दिल में कोई और रहता है, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। अब राजा चाहता
तो किसी भी तरह से उसको छीन सकता था, है कि नहीं, समझ रहे? लेकिन राजा ये चाहता था कि वो लड़की राजा को अंदर से स्वीकार करे, हृदय से स्वीकार करे, या फिर ऐसा हो कि जो लड़का पहले से दिल में बसा हुआ है वो उसके दिल से निकल जाए। अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि जो किसी के दिल में बस चुका है उसको कैसे निकाला जाए, कोई उपाय तो था ना। तो किसी दार्शनिक के पास गया वो अपने यहाँ के। उस दार्शनिक ने बहुत देर तक सोचा और सोचने के बाद उपाय बताया। कहते हैं कि इन दोनों को गले मिलाओ, जैसे गले मिलते हैं ना पुरुष स्त्री, कहते हैं कि इन दोनों को आपस में गले मिला दो और इस तरह से गले मिलाओ कि इन सब के इनके जो अंग हैं आपस में चिपके रहे और फिर इन्हें रस्सी से बांध दो। ऐसे बहुत जोर से नहीं कि तकलीफ हो, बस बांध दो इनको ताकि वो अलग ना हो सके, इतना कसना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्योंकि राजा उससे प्रेम करता था, दुख भी नहीं दे सकता है। तो कहते हैं उनको बांध दो, इतना बांधो कि बस अलग ना हो सके और तीन दिन तक बांधे रखो, वहीं पर भोजन दो, भोजन इत्यादि वहीं पर दो, खोलना नहीं बस, ठीक है, बस इतना करो प्रेम का भूत उतर जाएगा, ऐसा बोला उस व्यक्ति ने। अब हुआ क्या कि देखो इस संसार में प्रेम का जो प्रेम का प्रस्तुतिकरण होता है वो शरीर से ही होता है, दूसरा कोई प्रस्तुतिकरण का माध्यम है ही नहीं। जैसे किसी के हृदय में कोई प्रेम होगा तो वो प्रस्तुत कैसे करेगा, शरीर से ही तो करेगा ना। उदाहरण के लिए या तो वो अपनी जिह्वा से बोलेगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मीठे मीठे शब्दों में बात करेगा, या फिर उसको सहलाएगा, उससे गले लगेगा, है ना, या उसे चूमेगा। ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो प्रकट किससे होंगे, शरीर से ही होते हैं, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा होती है। अब तीन दिन तक जो इनको अलग नहीं किया गया, तीन दिन तक चिपके हुए हैं, थोड़ी देर के बाद तो गर्मी के कारण पसीना पसीना हुआ है, उसी शरीर से दुर्गंध आ रही है और तीन दिन में तो मलमूत्र भी तो निकला ही है ना, क्योंकि भोजन भी दिया जा रहा है, तो मलमूत्र सब वहीं पर विसर्जित हुआ है। तीन दिन के बाद जब रस्सी खोली गई उसके बाद कभी उन दोनों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखा, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से घृणा हो गई। जबकि यही जब अलग अलग रह रहे थे तो क्या हो रहा था, वो उसको प्रेम का नाम दे रहे थे, जो वो चाहते थे। प्रेमी प्रेमी का आपस में गले लगना तो चाहते हैं ना, जो वो चाहते थे वो पूरा कराया गया, और वो भी ऐसे नहीं, पूरे तीन दिन के लिए उनको गले लगवाया गया था। पर हुआ क्या कि उसमें उनका प्रेम का भूत उतर गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संसार में जिस जिस में सुख समझा जाता है वही थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो क्या होता है, वही दुख देने लगता है। आपको पता है इस संसार में सबसे ज्यादा डिवोर्स के जो केसेस होते हैं वो प्रेम विवाह में होते हैं, लव मैरिज बोलते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बात हो रही होती है फोन पर, मैसेज पर, तो बड़ी बड़ी बातें हो रही होती है, चांद तारे तोड़ने की बात हो रही होती है, वही पहले चंद्रमुखी लग रही होती है, शादी के बाद में वो सूर्यमुखी और ज्वालामुखी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो पहले चाहिए था, जिसके लिए वो तड़प रहे थे, अब वो तड़प नहीं रही, अब वो भूखी नहीं रही, अब वो प्यासी नहीं रही, अब वो अनायासी उपलब्ध हो रही है और ज्यादा उपलब्ध हो रही है, तो उससे नफरत हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है और फिर संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इसीलिए ये जो सुख की बात कर रहे थे कि सुख भी दुख का साधन है, उसका कारण ये है।
आपको मान लीजिए कि रसगुल्ला खाने में सुख होता है तो कोई कितना खाएगा, 8, 10, 12 आधा किलो, लेकिन उस लिमिट के बाद आपको एक भी रसगुल्ला खिलाया जाए तो क्या होगा, वही रसगुल्ला आपको दुखी करने लगेगा। पहला खाने में वो रसगुल्ला आपको सुखी कर रहा था और बारहवा खाने में वही आपको दुखी कर रहा है। मनुष्य को लगता है कि हम घर बनाते हैं, सबको अच्छा लगता है अपना घर हो, किसको पसंद नहीं है। लेकिन घर अगर सुख का कारण होता तो इंसान महीने दो महीने में घूमने बाहर क्यों जाना चाहता है, वही घर उसको काटने लगता है। कहते हैं घर में बैठे बैठे बोर हो गए, क्यों बाहर क्यों जाना चाह रहा है, पहले तो वो घर सुखी कर रहा था। इसी तरह से मान लीजिए कि कान का कोई विषय है, कोई एक गीत है बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे उसके लिरिक्स हैं, बोल हैं बहुत अच्छा, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, कंपोजिशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपके फोन में से सारे म्यूजिक डिलीट करके इंटरनेट वगैरह हटा करके आपको एक कमरे में रख दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हें 24 घंटे बस यही सुनते रहना है। कितनी बार सुनेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद क्या होगा, नहीं सुना जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से इस संसार का जो क्षणिक सुख है वो भी दुख का कारण है। तो इसलिए जो पहले 18 थे, 19वां जो है वो था संसारिक सुख, दूसरा संसारिक दुख, और जो तीसरा है अर्थात 21वां है वो है शरीर, जो सभी शरीर से ही जुड़े हुए हैं, ये दुख की सीढ़ियां हैं। और जब इनका नाश होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। तो श्री जी ने प्रश्न किया कि आपके वचन के आधार पर तो ईश्वर जीव का भी विनाश लिखा गया है, और दूसरा कि जिन 21 सीढ़ियों की आप बात करते हैं उन्हीं 21 सीढ़ियों में माया जीव सब आ गए हैं, तो सुख लेने वाला कौन है, और तीसरी बात कि आप सूक्ष्म स्वरूप को नित्य कहते हो, स्थूल का नाश कहते हो। कहते हैं 21 सीढ़ियों से कहां नित्य को वास, जो नित्य अखंड ब्रह्म है उसका वास उन 21 सीढ़ियों से इतर, उन 21 सीढ़ियों से अलग कहां रहेगा। 5 तत्व के अतिरिक्त या इस संसार के अतिरिक्त संसार से परे उस ब्रह्म का स्थान कहां पर है। अब न्याय दर्शन के बाद मीमांसा दर्शन के आचार्य कहते हैं कि बोले कर्म प्रधान, कर्म ही इस संसार में प्रधान है, क्योंकि मीमांसा दर्शन में कर्म की बात की गई है, पर मीमांसा दर्शन में जिस कर्म की बात की गई है वो भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है, और इन आचार्य ने जो कर्म की बात की गई है वो भिन्न है। ये कहते हैं कि कारण कर्ता कर्म है, इस सृष्टि को बनाने का कारण भी कर्म है और कर्ता भी कर्म है, और कर्म ही इष्ट है। जीव ईश्वर ब्रह्म ये सब कर्म के ही रूप हैं, कर्म के बिना और कुछ है ही नहीं। श्री जी क्या कहते हैं कि कर्म के विषय में तो बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, भ्रांतियां इसलिए रहती है क्योंकि कर्म तो प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, है कि नहीं। एक कर्म किया फिर दूसरा किया, कर्म किसका रूप है, इंद्रियों का और मन के संकल्प का और गुण का। यदि हमारे अंदर गुण ही ना हो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ना, तीन गुण ना हो तो कर्म हो ही नहीं सकता है। कर्म त्रिगुण से युक्त होते हैं, अगर सत्वगुण होगा तो सात्विक कर्म होंगे, रजोगुण होगा तो राजसिक कर्म होंगे, तमोगुण होगा तो तामसिक कर्म होंगे, पर तीनों गुण तो होंगे, लेकिन ब्रह्म तो त्रिगुणातीत है। कर्म की उत्पत्ति होती है और समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया उसके बाद समाप्त हो गया, पर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की तो उत्पत्ति नहीं होती है। कर्म तहां उपजे खपे स्थिरता उनमें नाही, कर्म में स्थिरता नहीं है, कर्म तो अहंकार और मन की उपज है, दोनों मिलकर के कर्म बनते हैं, और ब्रह्म तक तो मन पहुंचता ही नहीं है। क्या कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो विद्मो न विजानीमो, तो ब्रह्म तक मन की पहुंच नहीं है, तो वहां कर्म कैसे हो सकता है। और ब्रह्म जो है वो तो माया से रहित है,
और वेद शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पर आप में तो आपस में ही खींचातानी है। आप कर्म के विषय को ब्रह्म में घटा रहे हो, ब्रह्म को कर्म कह रहे हो, इसलिए आपकी बात जो है वो भ्रामक है। अब इसके बाद सांख्य दर्शन के आचार्य आगे आते हैं और कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष जो है वो सबसे परे है। प्रकृति मतलब माया और पुरुष मतलब ब्रह्म। कहते हैं प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तब सृष्टि बनती है, मिलने पर सृष्टि बनती है और भिन्न होने पर मिट जाती है। ये हमारा मत है। श्री जी क्या कहते हैं कि प्रकृति पुरुष से तुम सृष्टि की उत्पत्ति कहते हो, माया और ब्रह्म के मिलने से, माया और ब्रह्म का मिलना कैसे संभव है? माया और ब्रह्म तो ऐसे हैं जैसे दिन और रात, सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात। दोनों के तो लक्षण ही विपरीत है। माया का लक्षण क्या है? असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम। और ब्रह्म का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद लक्षणम। असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम अतः तद विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षणम। तो ब्रह्म का लक्षण तो उससे विपरीत है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कहते हैं सूरज दृष्टे तिमिर रहे यही बड़ो संदेह। श्री जी कहते हैं कि आपके बात से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरज के सामने अंधेरा रह रहा है। माया और ब्रह्म तो इसी प्रकार मिल ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात आप ये बताइए कि ब्रह्म निराकार है कि साकार है? साकार है तो फिर हर कोई देखना चाहिए, और अगर निराकार है तो फिर मिलना कैसे संभव है? निराकार कहाँ मिल सकता है? क्योंकि मिलने के लिए तो स्थान चाहिए। जो निराकार होगा तो वो सर्वव्यापक होगा, फिर मिलने और बिछोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता है। इस तरह से जब श्री जी ने प्रश्न पूछा, उनके पास कोई उत्तर नहीं है सांख्य दर्शन के आचार्यों के पास। अब वैशेषिक दर्शन के आचार्य कहते हैं कि काल जो है वो ब्रह्म है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में समय की बात की गई है। कहते हैं काल ब्रह्म है और काल ही समय ही सबको खिलाता है, समय ही सबका निर्माण कराता है और समय से ही सबका नाश होता है, और यही ब्रह्म का रूप है। श्री जी कहते हैं कि ब्रह्म के पास काल की पहुंच नहीं है। ब्रह्म तो काल से परे है, कालातीत है, समय से परे है। समय की तो गणना इस संसार में होती है। देखिए ब्रह्म सदा सर्वदा एक नाश है। जैसे आज के भौतिक विज्ञान के हिसाब से एक सिद्धांत आता है, रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ब्रह्म जो है वो समय और स्थान दोनों से परे है। स्थान से परे होने का तात्पर्य यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म इस स्थान पर है, इस समस्त ब्रह्मांड से वो परे है और परे रहते हुए भी हमारे अंदर विराजमान है। इसीलिए वो क्या है? दूरात सो दूरे तदु अंतिके च, दूर से भी दूर है लेकिन प्राण नली से भी निकट है। तो इसलिए उसको समय का भी बंधन नहीं है और स्थान का भी बंधन नहीं है, तो वो समय से परे है। श्री जी क्या कहते हैं कि वेद वाक्य मध्य काल को नाश, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। समय का भी नाश हो जाने वाला है, जैसे वेद मंत्र कहते हैं ना कि नाश सदासिन्नो सदासित दानिम नासित रजोनो बीमा परोयत। तो उस प्रसंग में पूरा वर्णन आता है कि किस तरह से जब कुछ भी नहीं था उस समय भी ब्रह्म था और वो सदा सर्वदा रहने वाला है। अब जब श्री जी ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा, उसके बाद आते हैं पतंजल ज्ञानी। पतंजल ज्ञानी अर्थात योग दर्शन के आचार्य। योग हमने पहले भी सुना, युद्ध समाधु धातु से योग शब्द का निर्माण हुआ है, और चूंकि योग की थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर है। योग के आठ अंग हैं, वो योग के आठ अंग कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ उन आठ अंगों से
ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। पतंजलि जो योग दर्शन के अनुयायी है उनके आधार पर एक तरफ वो ब्रह्म को नव समान निराकार बताते हैं और दूसरी तरफ योग से मत करके निकालने की बात करते हैं। तो श्री जी ने उन्हें किस तरह से प्रबोधित किया, उसके बाद योग दर्शन के बाद पुनः वेदांत दर्शन के आचार्य आते हैं और वेदांत दर्शन के आचार्य किस तरह से अपने सिद्धांत को रखते हैं और फिर सभी लोग मिलकर के श्री जी को अपनी पद्धति पूछते हैं और श्री जी ने किस तरह से निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताई। हम कल की चर्चा में योग दर्शन का सिद्धांत, वेदांत दर्शन का और फिर निजानंद संप्रदाय की पद्धति के विषय में सुनेंगे और जानेंगे कि हमारी पद्धति की विशेषता वास्तविकता क्या है। प्रत्येक सुंदर साथ के लिए ये सुनना ये समझना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछे कि आपका सिद्धांत क्या है तो आपके पास कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसी को हम बता सके कि हम सद्गुरु के रूप में इनको मानते तो उसका कारण क्या है, सद्गुरु ब्रह्मानंद है तो क्यों है, सूत्र क्या है, शिखा क्या है, सुख विलास का स्थान क्या है, भागवत को जागृत बुद्धि का ज्ञान अगर कहा गया है तो क्यों कहा गया है या अगर नहीं कहा गया है तो क्यों नहीं कहा गया है, तारतम मंत्र है कि नहीं है, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, 108 पक्ष की बात करते हैं, 108 माला पहनते हैं तो उस 108 का कारण क्या है। तो ये सभी प्रश्नों का समाधान हम कल सुनेंगे, अभी के लिए समय पूरा होता है। तब बोले पतंजलि ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, एही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इतही है तुम देखो, व्यापक इतही है तुम देखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की।